जापान में एक ब्रिज है जिसका नाम है इशियामा ओहिशा। अगर आप इसे दूर से देखोगे तो ये कुछ ऐसा लगेगा, और इमेज देखने से आपको ये लग रहा होगा कि ये एक रूम है, लेकिन ये एक गिटार के अंदर का इमेज है। और जापान में एक पेंगुइन है जिसका नाम है लाला, और डेली बैग लेके ये मार्केट जाता है और फिश लेके वापस घर को आता है। और कभी आपने ये सोचा है कि इस दुनिया का सबसे अकेला इंसान कौन था? बहुत मजेदार फैक्ट है ये, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 20, अगर फिलिप्स कंपनी के कोई भी एम्प्लॉय को कहीं भी कार पार्क करने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिलती है तो वो एम्प्लॉय अपने घर में बैठकर ही अपने ऑफिस का काम कर सकता है। नंबर 19, इंडिया में यूजुअली ट्रैफिक जाम कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, ऐसे नॉर्मल कार्स इसमें शामिल होते हैं, लेकिन दुबई का जो ट्रैफिक जाम है ये देखो, ये ऐसे सुपर कार से भरा होता है। देखो इसमें कितने सुपर कार्स भरे पड़े हैं। नंबर 18, साल 2009 में एक साइंटिस्ट ने एक स्टार को ब्लैक होल में बदलते हुए देखा, लेकिन अचानक से वो गायब हो गया। जब ऐसा हुआ तब कुछ भी नहीं हुआ, ना सुपरनोवा, ना कोई फ्लैश, कुछ भी नहीं, और साइंटिस्ट ने इसे नाम दिया मैसिव फेल। ऐसे गायब होने को साइंटिस्ट ने नाम दिया मैसिव फेल। नंबर 17, डेविड होल नाम का एक आदमी था, उसने एक पत्थर को गोल्ड समझ के सालों तक अपने पास रखा, और आगे जाके डेविड को ये पता चला कि ये गोल्ड से भी ज्यादा अनोखा है। मतलब वो पत्थर जो था वो एक सुपर रेयर म्यूटराइट था जो कि उसे नेशनल पार्क में मिला था और उसकी कीमत अरबों में थी। नंबर 16, चाइना ने एक दुनिया के सबसे बड़े एयर प्योरीफायर को बनाया है और इसका नाम है स्मोक टावर, और यह 100 मीटर ऊंचा है और एक दिन में 10 मिलियन क्यूबिक मीटर एयर प्रोड्यूस करता है। मतलब एक क्यूबिक मीटर जो है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, तो ऐसे ये 10 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रोड्यूस करता है। नंबर 15, जर्मनी के एक विलेज में जिसका नाम है फ्यूजरी, तो वहाँ के रहने का जो कॉस्ट है वो आज तक इंक्रीज नहीं हुआ है। 1520 में लोग वहाँ रहते थे तो 1520 से लेके आज तक उसका रेंट कॉस्ट नहीं बढ़ा है, जो कि है सिर्फ $1, और $1 1520 से लेकर 2020 आज तक $1 है। नंबर 14, ये जो आप इमेज देख रहे हो ये है दुनिया का सबसे छोटा मैकडॉनल्ड्स, जी हाँ, जो कि स्वीडन में है। पर आप सोच रहे होंगे कि इसका बनाने का पॉइंट क्या है, पर यह हनी बीज के लिए, मधुमक्खियों के लिए बनाया गया है। नंबर 13, एक 17 साल का बच्चा है और उसने एक प्लैनेट को डिस्कवर किया है। आप कहोगे उसमें क्या बड़ी बात है, पर उसने ये तब किया था जब उसे नासा को ज्वाइन किए हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे। मतलब नासा में ये जब आया था तब 3 दिन के बाद उसने एक प्लैनेट को डिस्कवर कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नंबर 12, इन इमेजेस को आप देखिए, ये देखने से आपको ये लग रहा होगा कि इनके ऊपर कोई कलर इफेक्ट डाला होगा, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लग रही है आज के दिनों में, उसके चलते वहाँ का आसमान पॉल्यूशन की वजह से लाल हो गया है। नंबर 11, ब्राज़ील में एक फुटपाथ को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, पर जिस जगह उन्हें कंस्ट्रक्ट करना था वहाँ एक कार ठहरी हुई थी। जब वर्कर्स ने उस कार ओनर से पूछा कि इस कार को थोड़ा साइड ले लो, तब उस कार वाले ने मना कर दिया, तो उन वर्कर्स को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने उस कार को भी वो फुटपाथ के साथ कंस्ट्रक्ट कर दिया, कुछ ऐसे। नंबर 10, जापान में एक लैंडस्लाइड की वजह से वहाँ का एक्चुअल रोड जो है वो ब्लॉक हो गया था, तो इमरजेंसी में जापान के लोगों ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर एक इमरजेंसी रोड बना डाला ताकि ट्रैफिक का फ्लो वहाँ मेंटेन हो सके। नंबर 9, दुनिया के सबसे महंगे हेडफोन जो है उनका नाम है HE1, और इनकी कॉस्ट है करीब 40 लाख रुपए सिर्फ हेडफोन्स के लिए। नंबर 8, एक इंसान है और वो ये क्लेम करता है कि वो एक टाइम ट्रैवलर है, और उसने इस इमेज को दिखाया है, और इस इमेज में वो ये दावा करता है कि ये लॉस एंजलिस सिटी है और 5000 साल बाद ये पानी के नीचे है। नंबर 7, कनाडा में एक जगह है जहाँ ग्रेविटी पूरी दुनिया के मुकाबले बहुत कम है, और उसका नाम है हडसन बे,
ये देखो इसके कुछ इमेजेस। लोग यहाँ कम ग्रेविटी को एंजॉय करने के लिए आते हैं और ये दुनिया के सबसे अनोखे जगह में से एक है। नंबर 5, अब ये फैक्ट जो है ये आपके रोंगटे खड़े कर देगा। पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर आप एक घोस्ट या एक डेड रिलेटिव या फ्रेंड को अपने सपने में देखते हो तो वो डेड फ्रेंड या रिलेटिव जो है वो आपको आपके रूम में सोते वक्त आपको ही देख रहा है। ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट्स का ये मानना है। नंबर 4, आपको तो पता होगा कि इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है, पर पहले इंडिया एशिया का पार्ट नहीं था। 55 मिलियन साल पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट हुआ और एशिया के साथ कोलाइड हुआ ड्यू टू ज्योग्राफिकल चेंजेस। और आज भी इंडिया हर साल 5 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करता है। नंबर 3, एक 10 साल का इंडियन बच्चा है और ये लंदन के एक IQ टेस्ट में 162 स्कोर किया है और ये ऑफिशियली आइंस्टाइन और स्टीवन हॉकिंग से भी ज़्यादा है। आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग जो कि इतने बड़े साइंटिस्ट थे उनसे भी ज़्यादा इस बच्चे की IQ है और माना जा रहा है कि ये आगे जाके दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट इंसान बन सकता है। नंबर 2, इस इमेज को आप देखिए, इसे देखने से आपको क्या लगता है ये एक रूम है, पर नहीं, ये असल में एक गिटार के अंदर का इमेज है और गिटार के अंदर का व्यू ऐसा लगता है। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया का सबसे अकेला इंसान कौन था? अकेला का मतलब कि हमसे दूसरा इंसान कितनी दूर है। आप अभी अकेले होंगे पर आपसे दूसरा इंसान ज़्यादा दूर नहीं है। तो सबसे अकेला इंसान नासा के अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट में से एक था। तो अपोलो 11 के मिशन के वक्त 2 एस्ट्रोनॉट चांद पर उतरे थे और ये एक एस्ट्रोनॉट कमांड मॉड्यूल में था, यानी कि इस चीज़ में था। तो जब कमांड मॉड्यूल चांद के दूसरे साइड गया तो तब जो 2 एस्ट्रोनॉट चांद पे उतरे थे तो उनसे सबसे नज़दीक इंसान जो था वो कमांड मॉड्यूल में था और वो कमांड मॉड्यूल उनसे 3,385 किलोमीटर दूर था, यानी कि करीब केरला से लेकर ईरान तक। तो इतने डिस्टेंस में उनका सबसे नज़दीक इंसान था। तो इनसे भी दूर जो इंसान थे वो थे पृथ्वी पर, जो कि 3,84,000 किलोमीटर का था। ये इतना डिस्टेंस है कि इसे कवर करने के लिए लाइट को भी 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगता है। मॉडर्न वर्ल्ड में इस डिस्टेंस को बीट करना इम्पॉसिबल है। और जो एस्ट्रोनॉट जो थे उन्हें भी पता नहीं था कि इस दुनिया के वो सबसे अकेले इंसान थे। अगर आप इस दुनिया के सबसे लोनलीस्ट जगह पॉइंट नीमो पे जाओगे तो भी आपको 2,963 किलोमीटर में आपसे सबसे नज़दीक इंसान होगा जो कि अर्थ पर है। तो ये फैक्ट आपको कैसा लगा? लेकिन आज के वीडियो ख़त्म करने का मन नहीं करा तो आपके लिए एक स्पेशल फन फैक्ट। हम बचपन से मिस्टर बीन देखते हैं, हमें क्या लगता है कि मिस्टर बीन इसे ग्रीन कार में जाते हैं, लेकिन ये हमारा इमेजिनरी दिमाग है जो आज भी हमें कहता है कि ये ऐसी ही कार में बैठते हैं अभी भी, लेकिन इनकी असल में कार ऐसी लगती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। Thanks for watching this video.